साथियों, राजस्थान का चौतरफा विकास ये भाजपा का संकल्प है, लेकिन राजस्थान डबल इंजन की सरकार ना होने का खामियाजा भुगत रहा है। केंद्र की सरकार यहां विकास के लिए जो पैसे भेजती है वो राजस्थान में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। राजस्थान की हमारी माताओं बहनों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। पूरे देश की तरह राजस्थान में भी जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने इस योजना में भी लूटने का रास्ता खोज लिया। यहां कबाड़ के भाव में पाइप खरीदकर जमीन के नीचे बिछा दिया गया। यहां की कांग्रेस सरकार से सहयोग ना मिलने के बावजूद केंद्र सरकार राजस्थान की बहन बेटियों को सशक्त करने में जुटी हुई है। राजस्थान के करीब 48 लाख घरों को नल से जल की सुविधा मिली है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में बने लाखों शौचालय महिलाओं की गरिमा की रक्षा कर रहे हैं। राजस्थान में करीब 70 लाख बहनों को उज्ज्वला एलपीजी गैस कनेक्शन की सुविधा मिली है। इनमें से करीब 30 लाख कनेक्शन सबसे गरीब हमारी एससी एसटी बहनों को दिए गए हैं। राजस्थान में जनधन खाता हो या मुद्रा लोन, बड़ी संख्या में हमारी माताओं बहनों को इसका लाभ मिला है। पीएम आवास योजना के तहत यहां राजस्थान में करीब 17 लाख पक्के घर बने हैं। इनमें से भी ज्यादातर घरों का मालिकाना हक हमारी बहनों को मिला है। हम जानते हैं हमारे यहां घर होगा तो किसके नाम पर, या तो पति के नाम पर या पिता के नाम पर, खेत होगा तो पति के नाम पर या पिता के नाम पर या बेटे के नाम पर, दुकान होगी तो पति के नाम पर या पिता के नाम पर, गाड़ी खरीदेंगे तो पति के नाम पिता के नाम, ट्रैक्टर लाएंगे तो पति के नाम या पिता के नाम, महिलाओं के नाम कुछ होता ही नहीं है। सही बात है ना? लेकिन ये आपका बेटा महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देता है, इसलिए मैंने तय किया कि पीएम आवास के मकान मैं महिलाओं के नाम दूंगा, ताकि मेरी माताएं बहनें मालकिन बने, घर की मालकिन माताएं बहनें बने, ये काम मैं कर रहा हूं।